नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल हरियाणा बोल में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज भी एक नया मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। बीजेपी को 36 विधानसभा सीटें मिलती नजर आती, इनेलो को 33, कांग्रेस को 15। ये एबीपी का सर्वे कहता है। बीजेपी 34, इनेलो 27, कांग्रेस 16, इंडिया टीवी का सर्वे कहता है। बोल जनता बोल के पब्लिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी 21, इनेलो 42 और कांग्रेस को 21 सीटें मिलने की संभावना है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 सीटें। जनता के मुताबिक किसके आंकड़े सही लगते हैं आपको? क्या आप जनता टीवी के सर्वे पर यकीन करते हैं? क्योंकि यह सर्वे आपके जरिए तैयार किया गया है। एबीपी का सर्वे भी हमने आपके सामने पेश किया और इंडिया टीवी का भी। आप बताइए, तीनों में से सही जो सर्वे है वो आपको किसका लगता है? 0114321 4321 हमारा नंबर है, खुला प्लेटफॉर्म आपके पास में है। आप बता सकते हैं हमें कि आपको किसके सर्वे पर ज्यादा यकीन है, ज्यादा एतबार है, किस पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें बता सकते हैं। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप बताइए हमें। जनता टीवी का सर्वे जो कि बोल जनता बोल हमारा खास कार्यक्रम, उसी के आधार पर तैयार किया गया और उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस को 21 और इनेलो को 40+ जो है सीटें हमारे सर्वे के मुताबिक मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमने आपसे पूछा कि एबीपी और इंडिया टीवी का सर्वे भी आपने देखा, हमें आप बताइए कि किसके सर्वे पर आपको ज्यादा यकीन है? क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीख बहुत हद तक करीब आ चुकी है। 15 तारीख को मतदान होना है, जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जनता को फैसला करना है कि वो किसको चुनना चाहती है, किसको नहीं। लेकिन आप ही की बातों के आधार पर अलग अलग टीवी चैनल्स अपना अपना सर्वे तैयार कर रहे हैं। हर किसी का सर्वे कुछ और बोलता है, क्योंकि जो है किसी ने किससे पूछा, सब जनता से ही है, जनता से पूछकर ही तैयार होता है, लेकिन सबके आंकड़े अलग 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 आते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। एक और दर्शक हमारे साथ में, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ में दरअसल इस वक्त हैं। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मानना है कि जनता टीवी का सर्वे बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि और चैनलों का जो सर्वे दिखाया गया है वो हमें अच्छा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जनता टीवी का जो सर्वे है वो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की राजनीति को हम जानते हैं, चलिए जी, बहुत ही शुक्रिया आपका। हमारे साथ में एक और दर्शक हैं। रविंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी, बताएं आप किसके सर्वे पर एतबार करते हैं? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जनता टीवी का जो बोल जनता बोल है, ये एक रैंडम आपको कोई सवाल पूछते हैं, स्पेसिफिक सवाल नहीं होते हैं इसमें। अच्छा, और आपने पिछले 3 महीने का देखा है, उसमें कई तरह के सवाल आपने पूछे हैं जी। कोई खास कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई खास इलाके के रिलेटेड कोई ऐसे सवाल तो थे नहीं आपके। और दूसरी बात ये कि जो दूसरे चैनल के जो ये सर्वे है, ये एक साइंटिफिक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में किए जाते हैं ये सर्वे, तो इनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। मैं इस तरीके से देखता हूँ चीजों को, तो आप इसको नेगेटिवली ना लीजिए। मतलब हमें साइंटिफिक तरीका और एक बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक इमोशनल तरीके में फर्क तो होता ही है। तो मैं तो साइंटिफिक तरीके के साथ होऊंगा, मैं इमोशनल तरीके के साथ नहीं जा पाऊंगा। थैंक यू। चलिए देखिए, आप ही का प्लेटफॉर्म है, हम आपकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ना इसमें कुछ बुरा मानने की बात और ना कुछ बुरा लगने की बात, सिर्फ आपकी बात जानने का मौका हम यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो आपसे बात जानेंगे आपकी, और बेहतर भी होता है कि हम आपकी बात को जानें। हम यही वजह है कि आपके सामने पेश हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो हमने आपसे पूछा कि आपका इस पर क्या ख्याल है। 0114321 4321 हमारा नंबर है। हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे, टीवी चैनल्स के जो सर्वे सामने आए हमने उसकी बात की, हमने उसमें पूछा कि किसका सर्वे आपको बेहतर नजर आता है। वेद प्रकाश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते वेद प्रकाश जी। मैडम जी, मैंने बहुत टीवी चैनलों के सर्वे देखे हैं जी, तो उसके मुताबिक आपका सर्वे बिल्कुल फेल है। आप बुरा मत मानना, बिल्कुल आपने पता नहीं कहाँ से कैसे प्रयास है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये शशि रंजन जी है टोटल टीवी वाले और विनोद मेहता भी है, ये बिल्कुल सटीक इनका जो है, मैंने दिल्ली का भी इनका सर्वे देखा था और बाद में लोकसभा में जो भी हुआ था तो भी मैंने सर्वे इनका देखा था। तो पूरा 100% तो नहीं होता है ये, मतलब 80% तक इनका कुछ हद तक सही होता है। तो इन दो आप नोट कर ले ये बात मेरी, और इधर आप 19 तारीख के बाद फिर हम आपसे बात कर लेंगे, और ये देख लेना आप इन दो टीवी का जो सर्वे है इसमें आपको मिलेगा। देखिए, हम आपके सामने ही रहेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप ही की बातों के आधार पर, आप ही की राय, आप ही के मत के आधार पर हमने
सर्वे के जरिए एक कुछ आंकड़े तैयार किए और हमने उसके जो नतीजे रहे वो आपके सामने पेश किए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको माने या फिर ना माने। यही वजह कि हम आपकी बात यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, हमने की और हम आपकी बात जान रहे हैं। वजीर जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। हेलो जी वजीर जी बताएं। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। हाँ जी, ये जनता टीवी का सर्वे जो है वो बहुत बढ़िया स्टीक है जी। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया, हम आपसे आपकी बात लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके सामने दो और सर्वे भी रखे, इंडिया टीवी का सर्वे भी हमने आपके सामने रखा, एबीपी का भी हमने आपके सामने सर्वे रखा और जनता टीवी का सर्वे भी हमने आपके सामने रखा जो हमने हमारे खास कार्यक्रम बोल जनता बोल के जरिए तैयार किया। हमने आपसे पूछा कितना सटीक है और किसका सर्वे आपको ज्यादा सटीक नजर आ रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त है, क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। शमशेर जी बताइए। हाँ जी मैडम जी, ऐसा पहले तो मैं आपको आपको जनता टीवी का धन्यवाद करता हूँ जो इंडियन नेशनल लोकदल बहुमत से सरकार बनाने गुजारी है जी। तो ऐसा मैडम जी, आपका सर्वे 42 है, हमारा जो पब्लिक सर्वे ना, जो मैं पब्लिक सर्वे रहता हूँ पूरा हरियाणा में घूमता हूँ और सुमशेर राम मेरा करेला 7 सीटें लेके आएगी नेलो पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश मुख्यमंत्री होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी तक बहुमत किसी भी सरकार को किसी भी पार्टी को माफ की जगह मिलता हुआ नजर नहीं आया किसी भी सर्वे के अंदर। तो हमने आपसे ऐसे में पूछा है कि आपको किसका सर्वे ज्यादा सटीक लग रहा है। सरोज जी क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ जी जनता टीवी वाले, जनता टीवी। हाँ जी आप जनता टीवी पर ही बात कर रही हैं, बताइए। हाँ जी वैसे तो बढ़िया लग गया जी हमने जनता टीवी का सर्वे। हाँ जी जनता टीवी का सर्वे बढ़िया लग गया जी हमने। चलिए कुछ और कहना चाहती हैं आप। सरोज जी आप कुछ और कहना चाहती हैं। चलिए शायद हमारा संपर्क उनसे फिलहाल टूट चुका है, लेकिन आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म है। हमने आपको सर्वे दिखाया पहले, अब हम उस सर्वे को लेकर ही आपके बीच में हाजिर हैं। पहले हमने आपके सामने पेश किए आंकड़े, फिर हम उन्हीं आंकड़ों को लेकर आपके सामने एक बार फिर से पेश हुए और आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए कितना यकीन आप करते हैं और किसके सर्वे पर आप यकीन ज्यादा करते हैं। जनता टीवी का सर्वे, एबीपी न्यूज का सर्वे या फिर इंडिया टीवी का सर्वे पर आप ज्यादा यकीन करते हैं। हम आपसे आपकी बात जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए हमें किस पर आपको ज्यादा भरोसा है, किसके जो सर्वे आपको है ज्यादा पसंद हो रहे हैं और किसके आपको आंकड़े सटीक लग रहे हैं। 0114321431 हमारा नंबर है, हम आपसे लगातार आपकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिना देरी के फोन कॉल कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम यहां पर आपके सामने हाजिर हुए, अपनी बात आपके सामने पेश की, फिर उसी बात को लेकर हम आपकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी, आपको पहली बात ये बधाई हो जी ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बात आपने सुनी जी, बहुत शुक्रिया, बताइए। ऐसे जी हमें जनता जनता टीवी ने जो आंकड़े निकाले उस पे अच्छा वोल मिल रहे जी। अच्छा जी, हाँ जी, ऐसे अब की बार सरकार तो की पूरी बहुमत से नहीं बनेगी जी। चलिए बहुत शुक्रिया, मंजीत हमारे साथ में है। मंजीत जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी आपका सर्वे बिल्कुल सही है जी, इस बार सरला ही सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। चलिए बहुत शुक्रिया, हम आज ये नहीं पूछ रहे कि किसकी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से कौन आएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके सामने आपके समक्ष कई सर्वे हैं जिनमें से कुछ का हमने जिक्र भी किया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए आपको किसके सर्वे पर ज्यादा यकीन है। अजय जी क्या कहना चाहते हैं आप बताइएगा। नमस्कार जी। जी नमस्ते, बताइए। जी सर्वे किसका आपको बेहतर नजर आ रहा है, मतलब किसका सटीक है सर? सर्वे जनता टीवी का बहुत बढ़िया सर्वे है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप। राम जी अच्छा बताइए। हाँ जी जनता टीवी का सर्वे सबसे बढ़िया लगा जी मैम। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी और कुछ कहना चाहते हैं आप। चलिए इनको भी जनता टीवी के सर्वे पर यकीन है। सुखबीर जी आप किसका सटीक मान रहे हैं सर्वे? ये जी आपका मतलब करीब करीब बिल्कुल ठीक है जी, और जो ये टोटल टीवी ने दिखाया है ना जी, इन्होंने 44 सीट में 14 सीट दिखाई थी पहले,
और 40 सीटों में कितनी दिखाई दे रहे 12 जी, ये बिल्कुल गलत है जी। चलिए बहुत ही शुक्रिया आपका रिंकू जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। हेलो रिंकू जी बताइए। मैडम आपका सर्वे तकरीबन ठीक है, मगर इनेलो की तरफ से आप जो सर्वे दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल गलत नजर आ रहा है हमारे को। हो सकता है आप हमारी बात से सहमत ना हो। बिल्कुल है, हमारे हलके में है, बिल्कुल हमारा आजाद प्रत्याशी है यशपाल राणा जी, वो बिल्कुल नंबर वन है और उनका नाम तक ही नहीं आ रहा है इनमें, बताओ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हो सकता है कि कोई इत्तफाक ना रखे, इसमें कोई दोराय नहीं है, हम तो तभी आपके बीच में आए हैं कि हम आपकी बात को जान सकें और तभी हम आपकी बात को पूछ भी रहे हैं, आपसे जानने की लगातार कोशिश कर भी रहे हैं। हमारे साथ में एक और कॉलर भी हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं रिंकू जी। हेलो रिंकू जी बताइएगा। हेलो आप हैं हमारे साथ, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? संदीप जी बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते संदीप जी। मैडम जी जो ये आपका सर्वे है, मेरे को किसी भी चैनल का सर्वे सच्चा नहीं लग रहा। आपने जो इनेलो की 42 सीटें दिखाई है, जिसका सुप्रीमो जेल के अंदर पड़ा है, वो सरकार कैसे बना लेगा, कैसे जनता उसको विश्वास कर लेगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हमने तो नहीं यहाँ पर ये दिखाया कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, हमने सिर्फ आपके सामने जो आप ही की बातों से निकल कर सामने आई है, हमने उन्हीं को आधार बनाकर सर्वे तैयार किया, क्योंकि आप लोग लगातार जुड़ते हैं, आपकी आस्था है हमारे इस खास कार्यक्रम में, आप ही का प्यार है जिसकी बदौलत आप लोग लगातार हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और एक परिवार के तौर पर आप लोग हमेशा अपनी बात को रखते भी हैं, आपके चाहे भाव कुछ भी हो निष्पक्षता के साथ में आप लोग जुड़ते हैं और हम उसकी कदर भी करते हैं। यही वजह है कि हमने आप ही की बात को आधार बनाया और हमने आप ही की बात को आधार बनाते हुए हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आपके बीच में वो सवाल भी उठाया जिस पर हमने कहा भी कि आपकी असहमति भी हो सकती है, आपकी सहमति भी हो सकती है। हमने उस सर्वे को आपके बीच में रखा कि आप ही की बातों से हमने एक सर्वे तैयार किया, अब आप बताइए आपको कितना सटीक लग रहा है। हो सकता है कि आप उससे सहमत हो सकता है कि आप असहमति हो आपकी उससे। एक और दर्शक हमारे साथ में है, राहुल जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। हेलो राहुल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं मुलायम से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइएगा। चौटाला साहब की हमारे यहाँ से राजवीर सिंह बराड़ा की सीट क्लियर है। मैम नहीं ये बताइए कि जनता टीवी का जो सर्वे है वो कितना सटीक आपको लग रहा है या फिर बाकी के जो चैनल्स के सर्वे हैं वो आपको सटीक लग रहे हैं। नहीं आपका एग्जैक्ट लग रहा है। मैम चलिए हम यही जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसका सर्वे सटीक लग रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ में है, क्या कहना चाहते हैं आप बताइएगा। आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें साहिल जी। जी जी साहिल जी बताइए किसका सर्वे आपको सटीक लग रहा है। सर्वे तो जनता टीवी का ठीक है, पर थोड़ा सा यह है कि जो इनोलो की सीट आ रही है वो उसमें थोड़ी कमी नजर आती है, क्योंकि सीट जो है चौटाला साहब की अब के बाद जो है फुल बहुमत से आ रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है। सर्वे में कोई कमी नहीं है आपकी, बहुत अच्छे सर्वे किया है आपने, अच्छा सर्वे है। बहुत ही शुक्रिया आपका। तमाम तरह की राय निकल कर सामने आ रही है, कुछ इस सर्वे से सहमत हैं भी कुछ नहीं भी। देखिए जब भी सर्वे कराए जाते हैं, ये जो हम सर्वे आपके सामने पेश भी कर रहे हैं, हो सकता है या फिर तमाम चैनल जिस तरह से आपके सामने सर्वे के जरिए एक आंकड़ा तैयार करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, हो सकता है कि ये एग्जैक्टली डाटा ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता भी है, उलट भी हो सकते हैं नतीजे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करीब करीब ऐसे ही नतीजे रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और जनता का मूड बदल सकता है तो ये आंकड़े ही बदल सकते हैं, और अगर जनता के मूड में बदलाव हो रहा है तो ये बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में है, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो रवि जी बताइए। हाँ जी मैं तो ये कह रहा हूँ जी आपका सर्वे बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन इसमें कांग्रेस की सीटें घटेंगी, बीजेपी की 5-4 सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की 5-4 घटेंगी, और इनेलो का बिल्कुल ठीक है जी आपका। रवि जी बहुत शुक्रिया आपका। इनको लगता है कि कुछ कुछ थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बीजेपी को बेनिफिट और कांग्रेस को थोड़ा नुकसान और हो सकता है, आपका अनुमान क्या कहता है, हम आपकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए किसका सटीक आपको लग रहा है, क्योंकि हमने इंडिया टीवी का भी आपको दिखाया जो आंकड़े उनके कहते हैं, हमने एबीपी न्यूज का सर्वे का भी जिक्र यहाँ पर किया है, और फिर जनता हमारे बोल जनता बोल खास कार्यक्रम के जरिए जनता टीवी का सर्वे भी हमने तैयार किया और वो भी आपके समक्ष हमने रखा है। एक और कॉलर हमारे साथ में है, राजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। हेलो जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। राजेश जी मैडम जी आपका सर्वे एकदम सटीक है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, कांग्रेस की सीटें 5-6 और घट सकती हैं और बीजेपी को 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है।
जी। और चौटाला साहब की कम से कम ये लगा लो 50+ होनी चाहिए सीट मेरे हिसाब से। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। हेलो मैडम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ जी, हमें आपका सर्वे बहुत अच्छा लगा। सटीक मानते हैं आप उसको? हाँ जी बिल्कुल सटीक है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शक भी जुड़ सकते हैं और आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपको किसका सर्वे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। हमने आपके सामने तीन पेश किए हैं, हमने इंडिया टीवी का सर्वे का जिक्र किया, हमने एबीपी न्यूज के सर्वे का जिक्र किया है, टोटल टीवी का आप कुछ दशक जिक्र कर रहे हैं, बाकी के चैनल्स का भी आप लोग देख रहे हैं लगातार। देखिए फैसला करने वाले तो आप लोग हैं, चाहे हम आपके सामने सर्वे रखें या फिर और बाकी के चैनल्स, होगा वही जो जनता तय करेगी। तो हम जनता से पूछ रहे हैं कि किसका सर्वे आपको सटीक लग रहा है। परवेश जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, कहिए क्या कहना चाहते हैं परवेश जी। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को जनता टीवी का सर्वे ही सबसे सटीक लग रहा है जी। और मेरे को लग रहा है कि इनमें एक दो सीटें जो हैं बीजेपी की घट सकती हैं और कांग्रेस की बढ़ सकती हैं। हाँ जी मैम, और मेरे को ये लग रहा है कि जनता टीवी का ही सर्वे सबसे सटीक है। बहुत ही शुक्रिया आपका। चलिए तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा किसका सर्वे कितना सटीक है, लेकिन फिर भी हम जनता से पूछ रहे हैं। हमने एक आंकड़ा अगर तैयार किया है आप ही की बातों के आधार पर, तो अगर हम वहां पर आपकी सहमति ना लें ये कैसे मुनासिब हो सकता है। और इसीलिए हम आपके बीच में हाजिर हुए, हम आप ही से पूछ रहे हैं जी। देखिए आपकी बात के जरिए हमने ये आंकड़ा तैयार किया है, आप ही के समक्ष रख रहे हैं कि आप सहमत हैं क्या, आप नहीं हैं क्या, आपको और किसी के ज्यादा सटीक लगता है, या फिर आप मानकर चलें कि जो आपने हमें कहा उस आधार पर जो हमने एक आंकड़ा तैयार किया वो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ आपकी बात। एक और दर्शक हमारे साथ में है, राजेश जी क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिएगा। राकेश हमारे साथ हैं, राजेश नहीं, राकेश जी बताएं। हेलो, हाँ जी राकेश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। मैडम ये सर्वे आपका बहुत बढ़िया लगा है जी। जी और कुछ कहना चाहते हैं आप। हाँ जी, मेलो की ना एक तरफ लहर है जी। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ में। बोल जनता बोल के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के पास 21, इनेलो के पास 42, कांग्रेस को 21 सीटें मिलने की संभावना है। ये संभावना है, हकीकत नहीं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें चाहिए, जो कि किसी के पास भी नजर नहीं आ रही है। चाहे आप कितने भी सर्वे, जितने सर्वे हैं उनको देख लीजिए, जनता के मुताबिक किसके आंकड़े आपको सही लगते हैं हम आपसे पूछ रहे। सतवीर जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। जी जनता टीवी का सही है जी सर्वे। जी हाँ जी सही है। चलिए हमने इंडिया टीवी के सर्वे का भी जिक्र किया है, हमने एबीपी न्यूज के सर्वे का भी जिक्र किया है, हमने जनता टीवी का सर्वे भी आपके सामने रखा है। किसी में भी किसी पार्टी को मैंडेट नहीं मिल रहा, किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा। 46 सीटें चाहिए होते हैं किसी को भी सरकार बनाने के लिए, जो कि किसी के पास भी ये जादुई आंकड़ा नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ में है, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। हेलो राजकुमार जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्ते जी, गुप्ता बोल रहा हूँ जी। जी बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप। देखो जी सब टीवी चैनलों के सबके आंकड़े आए हैं, आंकड़े सबके अपने अपने एक आधार होता है, उस तरीके से वो सब सर्वे करते हैं जी, उनका अपना तरीका ठीक है। परंतु मुझे आपका जो टीवी चैनल का जो ये सर्वे आंकड़ा जो लगा मुझे सही लगा है। और बाकी जो स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी का आने का जो मोल नहीं लग रहा है, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा, और स्पष्ट बहुमत अगर नहीं आता है तो उसके अंदर भी एक बड़ी भारी दिक्कत होती है। और बाकी इससे भी नेलो की एक तरफा थोड़ा सा मोल चल रहा है, बीजेपी की जो शुरू में जो हवा थी वो आने वाले टाइम के हिसाब से जू जू घटी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री ना होकर के एक हरियाणा सरकार के प्रधानमंत्री के रूप के अंदर अपना जो बयान या वक्तव्य जो पेश करते हैं वो उनका जरा थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनको पूरे सेंट्रल लेवल के जो जो नेता है उनको सेंट्रल लेवल की बात कहनी चाहिए, वो इस तरीके की बात नहीं करते। आपको किसका सर्वे बेहतर लग रहा है ये बताइएगा। जनता टीवी का जो आंकड़ा बिल्कुल सही लगा, और जो बोल रहे ना बोल जो आप डेली जो आप पब्लिक से जो आप मिलते हो उनकी जो आप जनभावना जो आप सुनते हो उसकी जो बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल मुझे सही लगी। और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में और इतनी आस्था दिखाने के लिए। देखिए हम आपके ही लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहाँ पर आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं, खुलकर स्पष्ट रूप से अपनी बात को आप रख सकते हैं। बस हम आपसे एक अपील एक गुजारिश करते हैं कि जब भी आप लोग बोलें मर्यादित बोलें, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, हमने आप ही की बातों के आधार पर
आप ही के मत के आधार पर एक सर्वे तैयार किया, वो भी आपके समक्ष है, और बाकी के चैनल्स के जरिए जो सर्वे तैयार किया वो भी आपके समक्ष है। आप हमें बताइए किसका सर्वे आपको बेहतर नजर आ रहा है। हमारे साथ में एक और कॉलर है, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। हरवंश जी बताइएगा। जी हरवंश जी। हाँ जी, आपका जनता टीवी बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ कहना चाहते हैं आप हरवंश जी? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है हमारा। एक और कॉलर हमारे साथ है, अनिल जी क्या कहना चाहते हैं आप बताइएगा। मैडम जी, आपका सर्वे तकरीबन ठीक है जी, लेकिन इसमें इनेलो एक दो सीट का नुकसान हो सकता है मैडम जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आंकड़े चेंज तो होते ही हैं अक्सर, 100% किसी का भी जो सर्वे है वो सही नहीं होता। ये अभी तक के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ है। हमने एक सर्वे तैयार किया, सर्वे किया हमने, और उसके जरिए एक आंकड़ा तैयार किया हमने और आपके सामने पेश किया कि देखिए आप ही की बातों के जरिए एक नतीजा ये निकल कर सामने आया है। हमने उसी को आपके बीच में रखा, हमने आपकी बात जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि आपने जो सर्वे तैयार किया उसमें बहुत सारे फेरबदल हो सकते हैं चुनावी नतीजों के बाद में। कुछ ने कहा कि आपने जो सर्वे तैयार किया है, आपके सर्वे के जरिए जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत हद तक सही हैं, वो सटीक हैं। जबकि कुछ ये कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, फैसला आपको करना है और ये सिर्फ एक संभावना है, ये अनुमानित है, और हो सकता ही नहीं बल्कि अक्सर ये होता है कि थोड़ा बदलाव होता है। अब ये देखना हो कितना बदलाव होता है, किस हद तक बदलाव होता है। हम लगातार आपके सामने और लगातार आप ही के मुद्दों को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार। दियाड़ा विधानसभा